दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन के बारे में। और बूंदी का जो किसान आंदोलन हुआ था उसका सबसे पहले देखते हैं कारण क्या था। तो बूंदी किसान आंदोलन का कारण था भ्रष्ट प्रशासन, प्रशासन रिश्वत, 25 प्रकार के यहां पे लाग बाग ली जाती थी बाग, और सबसे मेन था बेट बेकार, यानी बेकार भी ली जाती थी। तो बूंदी किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? एक तो वहां पे जो प्रशासन था वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार से था, दूसरी बात है सरकारी कर्मचारी तो रिश्वत लेते थे, और 25 प्रकार के लाग बाग ली जाती थी और बेट पर बेगार भी ली जाती थी। बूंदी किसान आंदोलन की जो शुरुआत होती है उसका सबसे प्रमुख कारण माना जाता है कि बिजोलिया और बेगुट में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका प्रभाव बूंदी पे भी पड़ता है। बूंदी किसान आंदोलन था वो जो प्रमुख था कारण था वो था वहां के राज्य प्रशासन के विरोध में हुआ था, यानी बूंदी में है वो राज्य प्रशासन के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। और उस समय बूंदी के जो शासक थे वो थे रघुवीर सिंह। जबकि आप ये कह सकते हो कि ये सामंतों के विरोध में ये आंदोलन नहीं हुआ था, ये राज्य प्रशासन के विरोध ही बूंदी का जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था। अब हम देखते हैं कि बूंदी में जो स्थानीय आंदोलन हुआ था, स्थानीय आंदोलन, इस स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया? तो बूंदी में जो स्थानीय आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व तो किया था स्वामी नित्यानंद ने। तो स्वामी नित्यानंद ने बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व तो किया। उसके बाद में बूंदी में जो आंदोलन हुआ था उसे बरड़ क्षेत्र में हुआ था, और बरड़ क्षेत्र है वो बूंदी के दक्षिणी पश्चिमी भाग वाला वो क्षेत्र आता है, और यहाँ पर बरड़ क्षेत्र या बरड़ किसान पंचायत का गठन भी किया गया था और बरड़ आंदोलन भी ये जाना जाता है। तो बरड़ आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बूंदी किसान आंदोलन को ही बरड़ आंदोलन कहा जाता है। अब हम देखते हैं बूंदी किसान आंदोलन के बारे में। तो यहाँ के स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वामी नित्यानंद ने। ये राज्य प्रशासन के विरुद्ध में हुआ था, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जो सामंतों के विरुद्ध में न होकर राज्य प्रशासन के विरुद्ध में हुआ था वो था बूंदी का किसान आंदोलन। और बूंदी में भी 25 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, इस कारण से एक आंदोलन हुआ है, और इस ये बूंदी के बरड़ क्षेत्र में आंदोलन होता है। अब हम देखते हैं कि बूंदी के बरड़ क्षेत्र में आंदोलन होता है, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? तो बूंदी के जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया जाता है राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के कहने पर। इसका आंदोलन का जो नेतृत्व है वो पंडित नैनूराम शर्मा को दिया जाता है। तो पंडित नैनूराम शर्मा ने बूंदी या बरड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है अप्रैल 1922 में। तो बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब की जाती है? अप्रैल 1922 में बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ये किस किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये बूंदी के जो प्रमुख जो क्षेत्र थे, एक तो था निमाणा और निमाणा गांव, और दूसरा था आपके बरड़ क्षेत्र हुआ था, और एक था गरड़ा गराड़ा गांव। इन आंदोलनों में किसानों के सम्मेलन होते हैं, निमाणा गांव में होते हैं, गराड़ा गांव में किसानों के सम्मेलन होते हैं, और लगातार किसानों के सम्मेलन होते रहते हैं। उसके बाद में अप्रैल 1922 के बाद में लगातार किसानों के जब सम्मेलन होते रहते हैं तो बूंदी जो रियासत थी उसकी ओर से क्या किया जाता है? किसानों को करों में कुछ रियायतें दी जाती है जून 1922 में। जून 1922 में किसानों को करों में रियायत दी जाती है, रियायतें दी जाती है। लेकिन जब किसानों को करों में जो रियायतें दी जाती है वो राजस्थान सेवा संघ है वो किसानों को वो रियायतें मानने से मना कर देता है। इसलिए किसान है, किसान ये मांगे नहीं मानते हैं,
यानी रियायतें नहीं मानते हैं और किसान अपनी मांगे वो आगे जारी रखते हैं। इस कारण से क्या होता है, जून 1922 में किसानों को जो राज्य प्रशासन की ओर से कुछ रियायतें भी दी गई, लेकिन किसान वो रियायतें मानते नहीं है। और उसके बाद में क्या किया जाता है, बूंदी रियासत है वो क्या कर की जाती है, वो दमनात्मक नीति अपनाती है, दमनात्मक नीति अपनाती है बूंदी रियासत। और बूंदी रियासत जब दमनात्मक नीति अपनाती है तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है और बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नयनूराम शर्मा को भी इसके बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 4 वर्ष की सजा दे दी जाती है और जेल में डाल दिया जाता है। इस प्रकार जब रियासत के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की जाती है किसानों के विरुद्ध में, तो एक गांव था बूंदी जिले में डाबी गांव, और वहां पर किसानों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है डाबी नामक गांव पे, तो वो कहलाता है डाबी हत्याकांड, डाबी हत्याकांड। तो डाबी हत्याकांड के बारे में हम देखते हैं तो ये कहां पे हुआ था, तो ये डाबी नामक गांव में हुआ था। डाबी गांव में किसानों का एक सम्मेलन हुआ था और डाबी गांव कहां पर है, तो ये आता है बूंदी में ही है और यहां पर किसानों का एक सम्मेलन हुआ था, किसानों का सम्मेलन। तो डाबी गांव में किसानों का सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में क्या किया जाता है, बहुत सारे किसान आते हैं और तब ये जो डाबी गांव है, इस डाबी गांव में क्या किया जाता है, यहां पर दो व्यक्ति थे, एक का नाम था नानक जी भील, नानक जी भील। तो नानक जी भील इस गांव में क्या करते हैं, विजय सिंह पथिक द्वारा लिखा हुआ एक झंडा गीत था और ये झंडा गीत इस प्रकार गाते हैं, साथियों प्राण भले ही चले जाए लेकिन झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस प्रकार गीत गाते हैं नानक जी भील। और ये झंडा गीत किसका लिखा हुआ था, विजय सिंह पथिक का। तो वो झंडा गीत गाते हैं और उनके साथ में एक व्यक्ति और होता है देवीलाल गुज्जर। ये दोनों नानक जी भील जब झंडा गीत गा रहे होते हैं तभी वहां पर पुलिस अधीक्षक उस समय था इकराम हुसैन, और पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन वहां पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। उसके साथ में पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के साथ में एक व्यक्ति और थे, थानेदार कल्याण सिंह, और एक यहां के डाबी के हेड कांस्टेबल था सरदार मल। ये यहां पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के कहने पर यहां पर क्या की जाती है, गोलियां चलाई जाती है, और उस गोलियां चलाने के कारण क्या होता है, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर वो यहां पर शहीद हो जाते हैं। जब नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर शहीद हो जाते हैं तो उस नानक जी भील के शहीद होने के कारण झंडा गीत गाते समय, तो उस समय माणिक्य लाल वर्मा एक गीत लिखते हैं अर्जी शीर्षक से एक गीत लिखते हैं। तो अर्जी शीर्षक से गीत माणिक्य लाल वर्मा ने किस घटना के कारण लिखा, नानक जी भील के डाबी नामक स्थान पर शहीद हो जाने के कारण माणिक्य लाल वर्मा ने अर्जी शीर्षक से गीत लिखा। उस अर्जी शीर्षक में इस प्रकार उन्होंने गीत लिखा कि नानक जी भील है वो शहीद हो गए यानी भगवान के चले गए, और अब है वो जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो उनके जो दुख दर्द है वो भगवान को जाकर बताए, उनकी अर्जी वो नानक जी भील के संबोधित करते हुए उन्होंने इस शीर्षक से गीत लिखा था, और ये कि वो आगे जाकर भगवान को उनकी समस्याओं का बारे में जानकारी दे। तो इस प्रकार डाबी हत्याकांड था। तो डाबी हत्याकांड कब हुआ था, ये सबसे मोस्ट है, डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को, 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान पर बूंदी के यहाँ पर किसानों की सभा थी जिसमें पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं, उनके साथ में देवीलाल गुज्जर भी शहीद हो जाता है, और इसलिए माणिक्य लाल वर्मा ने अर्जी शीर्षक से एक गीत लिखा। अब हम देखते हैं आगे, उसके बाद में सब डाबी हत्याकांड का सभी समाचार पत्रों में इसकी निंदा की जाती है। समाचार पत्रों में जब डाबी हत्याकांड की निंदा की जाती है तो इस कारण से क्या किया जाता है, बूंदी रियासत है वो बूंदी रियासत की ओर से किसानों को
किसानों को करों में रियायत दी जाती है, जब किसानों को करों में रियायत दी जाती है तो उसके बाद भी आंदोलन है वो 1923 में समाप्त हो जाता है। तो आंदोलन कब समाप्त हो गया, 1923 में समाप्त हो गया। इसका प्रमुख कारण था कि राजस्थान सेवा संघ है उसने इसके बाद में इनका मार्गदर्शन देना बंद कर दिया था, और इस कारण से बूंदी किसान आंदोलन है वो 1922 से 1923 तक चलता है। और उसके बाद में पंडित नैनूराम शर्मा को जो 4 वर्ष की सजा दी गई थी तो उनको 24 सितंबर 1924 को रिहा कर दिया जाता है जेल से। तो बूंदी किसान आंदोलन के बारे में जो प्रमुख प्रश्न आते हैं वो 3-4 प्रमुख प्रश्न आते हैं कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। दूसरा प्रश्न ये आता है कि नानक जी भील किस आंदोलन में शहीद हो गए, तो बूंदी किसान आंदोलन में डाबी हत्याकांड में नानक जी भील शहीद हो गए थे 2 अप्रैल 1922 को। और उसके बाद में प्रश्न आता है कि बूंदी किसान आंदोलन में जो स्थानीय आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया, तो वो किया था स्वामी नित्यानंद ने। बूंदी किसान आंदोलन में जो किसानों की जो सभाएं होती थी यानी जो सम्मेलन होता था उसकी देख रहे वो महिलाएं करती थी, तो महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बहुत ज्यादा भाग लिया था। तो सर्वाधिक महिलाओं ने जो आंदोलन में भाग लिया था सक्रिय रूप से किस आंदोलन में लिया, तो बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक भाग लिया था। और बूंदी किसान आंदोलन राजस्थान का एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो आंदोलन राज्य प्रशासन के विरुद्ध किया गया, यानी यहाँ पे राज्य के प्रशासन के विरुद्ध किया गया था न कि सामंतों के विरोध में। तो ये था बूंदी किसान आंदोलन। अब हम देखते हैं दोस्तों जो बूंदी के अंदर जो मीणाओं के द्वारा या गुजरों का जो प्रमुख आंदोलन किया गया था वो, तो अब हम गुजरों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि बूंदी में गुजरों का जो आंदोलन था उसके बारे में, तो गुजरों का आंदोलन शुरू हुआ था 1936 से 1945 तक ये आंदोलन चला था। और गुजरों का जो प्रमुख आंदोलन करने का जो कारण था, एक तो कारण ये था कि बूंदी जो रियासत थी उसने सामाजिक सुधार के प्रयास किए, और सामाजिक सुधार के जब बूंदी रियासत द्वारा प्रयास किए गए तो उसमें सबसे प्रमुख था कि बूंदी रियासत ने मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा दिया था। और मृत्यु भोज पर जो प्रतिबंध लगाया था वो लगाया था 1936 में, यानी 1936 में बूंदी रियासत ने मृत्यु भोज पे प्रतिबंध लगा दिया। तो इस कारण से गुजरों ने क्या किया, आंदोलन किया। दूसरा प्रमुख कारण था कि उन्होंने जो पशु गणना की शुरुआत की, और पशु गणना की जब शुरुआत की गई तो गुजरों के अंदर ये अफवाह फैली कि ये अब चराई कर भी लेंगे। तो चराई कर के डर से गुजरों ने क्या किया, एक सभा का आयोजन किया हुंडेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। इस मंदिर में क्या किया गया, गुजरों ने एक सभा एक सम्मेलन बुलाया, और ये काफी बड़ा सम्मेलन था। तो इसका प्रमुख जो दो कारण से सम्मेलन बुलाया गया था, एक तो यहाँ के इनकी सामाजिक जो रीति रिवाज है उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, और दूसरा था कि चराई कर नहीं लगाया जाए। इस कारण से हुंडेश्वर महादेव मंदिर में क्या किया गया, गुजरों का सम्मेलन बुलाया गया और बूंदी रियासत को इसके बारे में जानकारी दी गई। लाखेरी में भी 1939 में गुजरों का एक सम्मेलन बुलाया गया, और उस सम्मेलन में गुजरों की जो प्रमुख मांगे थी कि एक तो चराई कर नहीं लिया जाए, और इनको जो पशु थे पशुओं के लिए चारागाह क्षेत्र का विस्तार किया जाए। इन मांगों के लेकर लाखेरी बूंदी में भी गुजरों का एक सम्मेलन किया गया। उसके बाद में गुजरों का यह आंदोलन काफी लंबे समय तक चलता रहा, और 1945 में है वो बूंदी रियासत है वो गुजरों की सभी मांगे मान लेती है, तो और 1945 में जाकर यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो गुजरों का आंदोलन कब से लेकर कब तक चला, 1936 से 1945 तक चलता है। 1936 में है वो हुंडेश्वर महादेव मंदिर में गुजरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें गुजरों की जो सामाजिक प्रथाएं थी यानी मृत्यु भोज को बंद नहीं किया जाए उसके बारे में, और चराई कर यानी पशु गणना नहीं की जाए और चराई कर नहीं लिया जाए इसके बारे में किया गया। दूसरा लाखेरी बूंदी में 1939 में भी सम्मेलन बुलाया गया, और उसके बाद में ये गुजरों की जो मांगे मानी गई वो 1945 तक मान ली गई, और 1936 से 1945 तक गुजर आंदोलन चला, और 1945 में जाकर यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये थे दोस्तों बूंदी जिले में के जो किसानों का जो जितने आंदोलन किए गए थे वो, तो बूंदी किसान आंदोलन के बारे में आज हमने पढ़ा है।